नमस्कार, मैं हूँ दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 जुलाई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में सिंचाई की परेशानी को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने दिया जवाब। किसी भी तरह की परेशानी होने पर शिक्षक डीओ से मोबाइल पर कर सकेंगे संपर्क। बिहार में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति को लेकर सीएम नीतीश ने दिए जरूरी निर्देश। इन अभिनेताओं से तुलना करने पर मनोज वाजपेयी ने एक्स यूजर को दिया जवाब। बिहार में एक बार फिर से मॉनसून की हो रही वापसी। आज भारत बनाम श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज की होगी शुरुआत। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। THDC इंडिया लिमिटेड ने निकाली भर्ती। THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर और सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://thdc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप THDC के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वालों की उम्र सीमा 32 से 48 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MBBS या BE BTEC इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंक के साथ पास किया हो। उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी होने पर शिक्षक डीओ से मोबाइल पर कर सकेंगे संपर्क। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में कोई भी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी सीधे आवेदन लेकर नहीं जा सकेंगे। साथ ही अब दूरभाष पर भी जिला कार्यालय के पदस्थापित कोई भी कर्मी, लिपिक, प्रधान लिपिक, दूरभाष पर आवेदक से किसी तरह की कोई संपर्क नहीं करेंगे। हालांकि डीईओ या आवेदक मोबाइल के जरिए बात कर सकते हैं। यदि जिला शिक्षा कार्यालय में कोई भी शिक्षक और कर्मी उपस्थित मिले तो उन पर कार्रवाई भी होगी। शिक्षा विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से निर्देश देते हुए डीओ को कहा गया है कि सभी शिक्षक और कर्मियों को निर्देशित करें कि वे अपनी सेवा या सेवांत लाभ से संबंधित सभी आवेदन बीओ कार्यालय में जमा करें। सभी बीओ आवेदनों के निष्पादन के लिए डीओ कार्यालय में भेजेंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे समर कादरी के बारे में। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1989 में बिहार पटना में हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत झारखंड से की और फिर बाद में बिहार को मान्यता मिलने के बाद इन्होंने बिहार के लिए भी अपनी सभी फॉर्मेट खेले हैं। ये लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स टीम से एक गेंदबाज के तौर पर जुड़े रहे। दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट जिताने में इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। इन्हें इनके बेहतरीन गेंदबाजी के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स की लिस्ट में भी जगह मिली थी। हालांकि इनका क्रिकेट में करियर महज 15 सालों का ही रहा और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। बिहार में सिंचाई की परेशानी को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने दिया जवाब। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा में आए एक सूचना के जवाब में सिंचाई को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सिंचाई के लिए नहरों के अंतिम छोर तक पानी की उपलब्धता को उसके लिए सरकार के स्तर पर निरंतर काम चल रहा है। नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाया जाएगा। आपको बता दें कि बारिश कम होने के कारण नदी में पानी जमा नहीं हो पाए और इस वजह से किसानों को सिंचाई में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। विजय चौधरी ने बताया कि रिहंद से समझौते के तहत हमें जो पानी मिलना है उसमें संकट है कि समझौते से अलग हटकर यूपी की सरकार ने नदी के बीच में ही हाइडल प्रोजेक्ट स्थापित कर लिया है। स्टूडेंट किट लेने के लिए बच्चों के पास आधार कार्ड हुआ अनिवार्य। शिक्षा विभाग केवल उन्हें बच्चे को स्टूडेंट किट देगा जिनके पास आधार कार्ड होगा। शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने को लेकर ये नियम शैक्षणिक सत्र 2024-25 के क्लास 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए जारी किए हैं। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट किट देने के बाद प्रधानाध्यापक बच्चों के साथ किट वितरण का फोटो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड करेंगे। पटना में इस दिन होगा बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन।
11 और 12 दिसंबर को राजधानी पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन होने वाला है। इस आयोजन में कई बड़े उद्योगपति और निवेशकों के पहुंचने की बात सामने आई है। उद्योग विभाग देश के कई शहरों में ये मीटिंग आयोजित कर रहा है ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। अभी हाल में ही पटना और कोलकाता में ये आयोजन देखने को मिला था और अब ये आयोजन मुंबई में 13 अगस्त को आयोजित होगा। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पटना में सफल टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट के बाद अब मुंबई में 13 अगस्त को एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। अब छुट्टी के लिए ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन। सामान्य प्रशासन ने डीएम, पुलिस हेडक्वार्टर और सभी विभागाध्यक्षों के लिए जारी किया आदेश। प्रदेश के सभी डीएम, पुलिस हेडक्वार्टर, सभी विभागाध्यक्ष को सामान्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कर्मियों का ऑनलाइन अब्सेंटी से वेतन दिया जाएगा। अपने आदेश में उन्होंने ये भी कहा कि सभी ट्रेजरी और क्षेत्रीय कार्यालय को सभी प्रकार के अवकाश का ऑनलाइन रिपोर्ट देखा जाए, साथ ही HRMS पोर्टल पर सभी कर्मियों के लिए डेटा अपलोड कर दिया जाए। अब अनुपस्थिति की डिटेलिंग HRMS पोर्टल पर ही स्वीकृत छुट्टी के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी। बिहार में दरभंगा एम्स निर्माण के लिए रास्ता हुआ साफ। बिहार के दरभंगा में एम्स बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से रास्ता साफ हो चुका है। शोभन स्थित बाईपास के पास से प्रस्तावित जमीन पर दरभंगा एम्स का निर्माण होगा। इसे लेकर बिहार सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र लिखा है। पत्र के जरिए केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द भूमि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स के जरिए राज्यसभा सांसद संजय झा ने देते हुए बताया है कि हमें शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा शोभन एकमी बाईपास के निकट प्रस्तावित भूमि का सर्वेक्षण करने 18-19 मार्च 2024 को दरभंगा आई केंद्र सरकार की तकनीकी टीम ने अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि को एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त बताया है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्तावित भूमि पर एम्स के निर्माण को मंजूरी दे दी। आधार कार्ड एनरोलमेंट आईडी से नहीं कर पाएंगे ये काम। सरकारी काम हो या निजी काम, हर जगह महत्वपूर्ण दस्तावेज या पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड मांगा जाता है। बिना आधार कार्ड के हमारे कई काम अधूरे रह जाते हैं, इसलिए ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक बन चुका है। लेकिन अभी हाल में ही आधार कार्ड को लेकर एक अहम जानकारी साझा की गई है। दरअसल पहले आधार कार्ड नहीं होने पर आधार कार्ड एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल होता था। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो उसके बाद एनरोलमेंट आईडी जारी होती है, लेकिन इस आईडी का इस्तेमाल आप दो जगहों पर नहीं कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले है पैन कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप एनरोलमेंट आईडी के जरिए पैन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। वहीं ITR फाइल करने के दौरान भी एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अवैध खनन, अवैध भंडारण और परिवहन के खिलाफ पुलिस ने की छापेमारी। अवैध खनन, अवैध भंडारण और परिवहन के खिलाफ पटना पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है। बिहटा थाना क्षेत्र के विभिन्न बालू घाट और जगहों पर दानापुर DSP पंकज कुमार के नेतृत्व में ये छापेमारी अभियान देखने को मिला। इस दौरान अलग अलग जगहों से अवैध बालू लदे 19 वाहन जब्त किए गए। इस मामले में वाहनों के मालिक और चालक समेत करीब 32 लोगों पर। इस छापेमारी को लेकर बिहटा थाना परिसर में DSP पंकज कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसके जरिए उन्होंने बताया कि सोन नदियों से अभी उठाव और खनन पर रोक लगा है। इसके बावजूद बालू माफिया खनन और लोडिंग का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। बिहार में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति को लेकर सीएम नीतीश ने दिए जरूरी निर्देश। बिहार में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को समीक्षा करने और इससे जुड़े कुछ जानकारी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस दिशा निर्देश के तहत कहा गया है कि कई जिलों में अल्प वर्षापात की स्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए 8 घंटे की जगह 14 घंटे प्रतिदिन निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए इच्छुक किसानों को डीजल अनुदान की स्वीकृति दी जाए। किसानों के हित में नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को पटवन में सहूलियत हो। इसके अलावा बाढ़ और सुखाड़ दोनों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों के अधिकारी सतत निगरानी करते रहने की बात कही गई है।
बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे गृह कुट पर्वत के बारे में। ये पर्वत बिहार के नालंदा जिले में राजगीर की पहाड़ियों में स्थित एक पर्वत है। यहाँ अक्सर महात्मा बुद्ध आकर रहते थे और अपने उपदेश लोगों तक पहुँचाते थे। ये पहाड़ी गिद्ध के आकार जैसे दिखने के कारण लोग इसे गृहकुट पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आसपास में वन भूमि और घोड़ा कटोरा झील भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से प्राकृतिक नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। यहाँ का वातावरण भी बहुत ही शांत और आध्यात्मिक अनुभूति महसूस करवाएगा। यदि आप कहीं घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये जगह घूमने के सबसे बेहतरीन जगहों में से एक हो सकता है। निजी स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चों ने सरकारी स्कूल से कटवाए अपने नाम। शिक्षा विभाग वैसे बच्चों को चिन्हित कर रहा है जिन्होंने निजी और सरकारी दोनों स्कूलों में अपना नाम लिखवा रखा है। ये बच्चे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग की कार्रवाई को देखते हुए करीब 34,543 प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने सरकारी स्कूल से अपना नाम कटवा लिया है। ई शिक्षा पोर्टल पर आधार नंबर सत्यापन के जरिए इन बच्चों की पहचान की गई है। आपको बता दें कि इस सरकारी पोर्टल पर निजी और सरकारी दोनों ही स्कूल के बच्चों का वेरिफिकेशन किए जाने के लिए निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों की सूची मांगी गई थी। हालांकि इस दौरान कई बच्चों की सूची सामने नहीं आई। जब पूछताछ हुआ तो पता चला कि इन निजी स्कूल के कई बच्चों ने अपना नाम सरकारी स्कूलों में भी लिखवा रखा है। प्रदेश में करीब 32 लाख बच्चे निजी स्कूल में नामांकित हैं, जिसमें से महज 12 लाख विद्यार्थियों के ही अभी तक आधार सत्यापन किया जा सका है। इन अभिनेताओं से तुलना करने पर मनोज वाजपेयी ने एक्स यूजर को दिया जवाब। बिहार से अपना संबंध रखने वाले मनोज वाजपेयी आज हर लोगों के बीच अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। सत्य और सूल और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे फिल्मों में इन्होंने अपनी कई अहम भूमिका अदा की है और प्रसिद्धि भी पाई। अभी हाल में ही मनोज वाजपेयी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक कोलाज शेयर किया जिसमें पंकज त्रिपाठी, विक्रांत मैसी, राज्यपाल यादव, दिवेंदु भट्टाचार्य, जितेंद्र कुमार और स्पर्श श्रीवास्तव नजर आए। इस तस्वीर को लेकर एक यूजर ने पूछ ही दिया कि आपके हिसाब से सबसे प्रतिभाशाली अभिनेता कौन है। इसका जवाब देते हुए मनोज वाजपेयी ने कहा कि मैं बहुत ही कमतर हूं, ये सब बहुत होनहार है, मैं सबसे सीख रहा हूं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अधिकारियों की लापरवाही की खुली पोल। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट में पता चला है कि राज्य सरकार के विभागों ने 87,947 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं। ऐसे विभागों ने खर्च कर दिए, हालांकि उपयोगिता प्रमाण पत्र का कोई अता पता नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल जमा 1.98 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि 31 मार्च 2023 तक 87,947.8 करोड़ के 41,755 उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिले। एसी के कंप्रेसर को ओवरहीट होने से ऐसे बचाएं। अक्सर गर्मी के दिनों में एसी को लंबे समय तक चलाने पर इसके कंप्रेसर के ओवरहीट का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आग लगने की घटनाएं भी सामने आती हैं। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप अपने कंप्रेसर को ओवरहीट होने से बचाएं। इसे बचाने के लिए आप हर 1 से 2 घंटे पर 7 से 8 मिनट के लिए एसी को बंद कर सकते हैं। ऐसा करने से एसी का कंप्रेसर ओवरहीट भी नहीं होगा और आग लगने जैसे खतरा भी नहीं रहेगा। बिहार में एक बार फिर से मानसून की हो रही वापसी। बिहार में एक बार फिर से मानसून वापस लौट रहा है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। बारिश ठीक से नहीं होने पर धान की रोपनी के लिए किसान भी काफी परेशान रहे। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में 2 स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येल्लो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। इस स्टेशन पर बनेगा बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल पटना जंक्शन के पास स्थित हार्डिंग पार्क की जमीन पर बनने वाला है। वंदे भारत का परिचालन इसी टर्मिनल के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा आने वाले 50 सालों तक यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए पटना जंक्शन दानापुर और पाटलिपुत्र स्टेशन को आधुनिक तरीके से विकसित करने की योजना बनाई गई है। दानापुर मंडल के DRM जयंत चौधरी द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। जानकारी देते हुए इन्होंने बताया है कि नए टर्मिनल के बनने से पटना जंक्शन पर ट्रेनों का भार कम होगा। दिन दहाड़े तनिष्क के शोरूम से हुई बड़ी लूट। बिहार में इन दिनों लगातार अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी बीते दिन तनिष्क के शोरूम में अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। मामला पूर्णिया जिले का है, जहां तनिष्क के शोरूम में अपराधी दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देकर भागने में सफल रहे।
हालांकि कितने रकम की लूट हुई और क्या क्या गायब हुआ है, इस मामले की जानकारी खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक अपराधियों ने करोड़ों की लूट को अंजाम दिया। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे फ्री मोबाइल डेटा के चक्कर में हो सकते हैं ठगी के शिकार। इन दिनों सोशल मीडिया पर फ्री मोबाइल डेटा को लेकर कई तरह की लालच दिए जा रहे हैं और लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। कई बार ये फ्री रिचार्ज का दावा ट्राई के नाम पर किया जाता है, तो कभी भारत सरकार, तो कभी कोविड-19 के नाम पर, तो कभी भारत के किसी खिलाड़ी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीतने की खुशी में फ्री रिचार्ज की बात करके लोगों को भ्रमित किया जाता है। लेकिन इस तरह के वायरल हो रहे मैसेज अक्सर झूठे और भ्रामक होते हैं और आपको ठगी के शिकार बना सकते हैं। इसलिए इस तरह की खबर पर विश्वास करने से पहले वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस तरह की खबर को लेकर अलर्ट किया है। नीतीश कुमार की मिमिक्री करना पड़ा महंगा। राजद MLC और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह को नीतीश कुमार की मिमिक्री करने के मामले में विधान परिषद से बर्खास्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई विधान परिषद की आचार समिति की अनुशंसा पर की गई थी। इनकी बर्खास्तगी का प्रस्ताव रामवचन राय द्वारा पेश किया गया था। ये प्रस्ताव विधान परिषद से ध्वनि मत से पारित हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में राजद MLC कारी सोहेब 2 दिनों के लिए निलंबित हुए हैं। सुनील सिंह और कारी सोहेब दोनों ने मिलकर नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी। इस मामले में कारी सोहेब ने पहले ही माफी मांग ली थी, लेकिन सुनील सिंह ने माफी नहीं मांगी थी और अब इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अपने ऊपर हुई इस कार्रवाई को लेकर देवेश चंद्र ठाकुर और रामवचन राय की तरफ इशारा करते हुए सुनील सिंह ने कहा है कि एक ने लोकसभा सदस्य और दूसरे ने उपसभापति बनने के लिए ऐसी रिपोर्ट दी है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सुनील सिंह की सदस्यता खत्म करने में सरकार का कोई हाथ नहीं है, ये विधान परिषद की कार्यवाही है। जदयू और BJP के विधायकों ने शिक्षा विभाग को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा। शिक्षा विभाग में घोटाले को लेकर NDA के कई सदस्यों ने बिहार विधान परिषद में अपनी ही सरकार को घेर लिया। दरअसल शिक्षा विभाग में बड़े घोटाले होने को लेकर जदयू के संजीव कुमार ने बड़ा आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि 100 रुपए का बैग 1200 रुपए में, 2000 का बेंच डेस्क 5000 रुपए में दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नवल किशोर यादव ने भी शिक्षा विभाग में कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इन सभी शिकायतों को सुनने के बाद शिक्षा मंत्री सुनील सिंह ने भरोसा दिलाया है कि सदस्यों द्वारा जिन मुद्दों को सदन में उठाया गया है उस पर विभाग गंभीर है, इस पर कार्रवाई की जा रही है। आज भारत बनाम श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज की होगी शुरुआत। आज से भारत बनाम श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20 सीरीज की शुरुआत होगी। आज का ये मैच पल्ली केले स्थित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं। भारतीय टीम के साथ नए हेड कोच गौतम गंभीर भी पहुंचे हैं। T20 सीरीज के बाद 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिससे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। इसमें रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया है। इस मैच में कई अहम खिलाड़ियों की वापसी होगी, जिसमें ऋषभ पंत का नाम भी शामिल है। श्रेयस अय्यर भी इस मैच में वापसी कर रहे हैं। वहीं शिवम दुबे और रियान पराग जैसे नए खिलाड़ियों को भी इस मुकाबले में अवसर दिया जा रहा है। आपके मुताबिक आज के होने वाले मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी हो सकता है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1994 में जसपाल राणा ने विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता जीती थी। आज के दिन वर्ष 1913 में आजादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला क्रांतिकारियों में से एक कल्पना दत्त का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1940 में भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका भारती मुखर्जी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1983 में सीमा पुनिया का जन्म हुआ था। ये भारतीय महिला चक्का फेक एथलीट है। आज के ही दिन भारतीय सिने अभिनेता और TV कलाकार आसिफ बसरा का वर्ष 1967 में जन्म हुआ था। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो गूगल मैप का ये फीचर आपको जानना है जरूरी। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कहीं गाड़ी से निकले तो इस दौरान हम गूगल मैप की मदद लेते हैं। इस दौरान फ्लाईओवर पर काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा फ्लाईओवर लेना ज़्यादा सही रहेगा और कौन सा नहीं, जिस वजह से अक्सर हमें लंबी ट्रैफिक का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए गूगल मैप कई नई सुविधाएँ लेकर आने वाला है। PTI के मुताबिक गूगल मैप में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की इन्फॉर्मेशन, फ्लाईओवर कॉल आउट और 4 व्हीकल वालों के लिए संकरी सड़क का इस्तेमाल कम हो, इसके लिए AI पावर्ड रूटिंग क्षमता लाई गई है। गूगल मैप के नए फीचर से इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए गाड़ी से कहीं भी यात्रा करना पहले से और भी आसान हो जाएगा।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 21 जुलाई, ऑप्शन बी है 23 जुलाई, ऑप्शन बी है 22 जुलाई, ऑप्शन डी है 24 जुलाई। इसका सही उत्तर है 23 जुलाई। हाल ही में किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन है अश्विनी चिनप्पा, ऑप्शन बी है महेश भूपति, ऑप्शन सी है नूनो बोर्गेस, ऑप्शन डी है कार्लोस अल्काराज। इसका सही उत्तर है नूनो बोर्गेस। हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है मेघालय। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए है समस्तीपुर, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही उत्तर है समस्तीपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जो उनके नाम है, राजकिशोर महतो, पूनम लता, विवेक पंडित, शुभानंद ठाकुर, विकास दास, मोतीलाल कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, श्यामानंदन चौधरी, पंकज कुमार दास, विनय कुमार, दीपक कुमार, शिव शक्ति। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बारिश की क्या स्थिति है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।